नहीं, व्हाट डू यू हैव इन माइंड व्हेन वेयर समवन आस्क यू बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं? हानिया, व्हाट डू यू नो अबाउट बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस? सेम ऑपोजिट डायरेक्शन हो, इक्वल मैग्नीट्यूड इक्वल हो, ऑपोजिट डायरेक्शन हो, वहां बैलेंस फोर्सेस होती हैं। मैग्नीट्यूड अनइक्वल हो और ईदर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन, दे आर कंसिडर्ड एज अनबैलेंस फोर्सेस। कॉन्टेक्ट एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है सामने? फॉर दैट फोर्स टू एक्ट ऑन द बॉडी, द टू बॉडीज मस्ट बी इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। एंड नॉन कॉन्टेक्ट क्या होगा? विदाउट कॉन्टेक्ट भी दे कुड एक्ट ऑन ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नेटिक फील्ड हो गए, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, दे डू नॉट नीड टू बी इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर फॉर दैट। अपथर्स्ट हो गया, अपथर्स्ट के लिए कॉन्टेक्ट में होना जरूरी होता है। हानिया, बस कॉन्टेक्ट यही यही देखना चाहते हैं कितनी प्रेजेंट माइंडेड है आप। अपथर्स के लिए जरूरी है कॉन्टेक्ट में होना, एयर रेजिस्टेंस के लिए, ड्रैग फोर्स के लिए। सो कॉन्टेक्ट नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस ये होती है। ठीक है, अब आप लोग इस लेवल पे आ गए हैं कि आप इमेजिनेटिव पावर्स को भी यूज कर सकते हैं टू थिंक ऑफ इट कि वेदर द टू फोर्सेस नीड्स टू बी इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर और नॉट, और वो किस तरीके से एक्ट आउट करेंगे। सो फार वी नीड टू नो अबाउट बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। एंड दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा? कॉन्टेक्ट एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट में कौन सी एग्जाम्पल आई थी? ग्रेविटेशनल आ गया था, इलेक्ट्रिकल आ गया था, मैग्नेटिक आ गया था। कॉन्टेक्ट में क्या आ जाएगा? अप थ्रस्ट हो गया, ड्रैग फोर्स हो गया। इसमें बैलेंस फोर्सेस को कैसे इंडिकेट करते हैं कि 10 न्यूटन पॉजिटिव फॉरवर्ड एंड 10 न्यूटन बैकवर्ड। इसमें क्या होगा कि 10 न्यूटन फॉरवर्ड, 20 न्यूटन बैकवर्ड, और इधर दे कुड एक्ट इन द सेम डायरेक्शन एज वेल, विच विल हैव अ कॉन्स्टेंट स्पीड। अहमद, विच वन विल हैव अ कॉन्स्टेंट स्पीड, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स? Because Why is that? it So the resultant force is zero. The object will be moving with a constant speed or uniforms whatsoever जो भी है आप use कर सकते हैं। मतलब interchangeably तो नहीं obviously use कर सकते कि दोनों different चीजें होती हैं। Constant force का ही term use करेंगे। इसमें हमारे पास क्या हो सकती है? Increasing और decreasing दोनों हो सकती हैं। Increasing कब होगी सामने? Increasing speed किस scenario में होगा? फॉरवर्ड फोर्स जब का रिजल्टेंट फोर्स इज एक्टिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। एंड डिक्रीजिंग स्पीड कब होगा? व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज ग्रेटर और इट्स एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंजन फोर्स। नाउ लेट्स गेट डाइव इनटू द चैप्टर। स्टार्ट में उन्होंने हमें क्या बोला हुआ है कि वेट क्या होता है, कॉन्टेक्ट नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है, रेजिस्टेंस एंड फोर्स को इससे इंडिकेट करेंगे रिस्पेक्टिवली। पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, ये आपने अच्छे से याद रखने हैं। हाउ टू ड्रॉ दीज डायग्राम्स, यू कुड सी के वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, इंजन फोर्स, ड्रैग फोर्स, और ये आपकी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, आपने ओ लेवल्स में भी किए हैं। यू नीड टू ड्रॉ द डायग्राम्स विद दैट। यू नीड टू सी के जो कॉन्टेक्ट फोर्स होती है, इट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस। एंड ये तो इसमें तो गलती नॉर्मली करता भी नहीं है बच्चा। वेट आपको हमेशा ऐसे बनाना है। अब वेट का इस चैप्टर में हम बहुत ज्यादा वो पढ़ेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर क्या होता है बेटे? When we divide a vector into its rectangular components क्या होते हैं? Resolution क्या होता है? Splitting the vector into its rectangular component। और वो कौन से होते हैं? X component and Y component। X के लिए हमेशा कौन सा एंगल यूज करेंगे? कॉस ऑफ थीटा का। वाई के लिए कौन सा यूज करेंगे? साइन ऑफ थीटा का। द वेक्टर विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द वेक्टर इज द एक्स होता है, और जो 90 डिग्रीज एंगल बना रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होता है? वेक्टर इनटू इट्स द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जी, कॉन्टेक्ट फोर्स।
कॉन्टैक्ट फोर्स देखा, कॉन्टैक्ट फोर्स कब लगती है? फॉर एग्जाम्पल हमने वो हमने हमने अपनी बुक के अंदर वो लेवल्स के अंदर वो टेबल वाली एग्जाम्पल की भी थी कि व्हेन अ बुक इज लाइंग ऑन अ टेबल तो वेट डाउनवर्ड एक्ट करा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो अपवर्ड एक्ट करी है. द ओनली थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड इट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस. हमने एंगल अकॉर्डिंग टू वेट सेट नहीं करना, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू सर्फेस ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा. अच्छा, उन्होंने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करने को बोला हुआ है. उन्होंने यहाँ पे रेफर तो नहीं किया हुआ उस चीज में, लेकिन एनी हाउ वेट एंड ड्रैग फोर्स को उन्होंने माइनस किया हुआ दे वर एक्टिंग. उन्होंने कहा है कि फिगर 4.3, ओके इट्स डाउनवर्ड. ये वो हमने पढ़ा हुआ सब कुछ के ऑपोजिट डायरेक्शन मैट करेंगे. दिस इज द वेक्टर, उसमें हमने बोला है कि जी ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है, डाउनवर्ड उसका वेट एक्ट कर रहा है, हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है. हम इसको रीड्रॉ करेंगे टू दिस पोजिशन अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल एंड रिजल्टेंट विल बी फाउंड आउट. अब चूंकि ये 90 डिग्रीज पे कर रहे थे तो ये भी क्या एंगल होगा, 90 डिग्रीज का ही होगा, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, 45 45 के. ये एंगल्स चेंज कब होते हैं, 30 60 या उसके हिसाब से जब उनका अपना एंगल कोई वेरी कर रहा होता है, उन्हें उसके हिसाब से करना है. रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कैसे करते हैं, एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर होल अंडर रूट, दिस इज फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड फॉर डायरेक्शन वी डू थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स. ठीक हो गया, आई थिंक उन्होंने डिस्कस भी यहाँ भी किया हुआ या उन्होंने भी डिस्कस किया. ठीक है, अगर थ्री और मोर फोर्सेस एक्ट करती हैं तो फिर हमने हमें किस तरफ जाना पड़ता है, हमें रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर में जाना पड़ता है कि विच वेक्टर्स आर इन द सेम. इफ यू गाइस रिमेंबर दिस डायग्राम, एक वेक्टर का क्वेश्चन आप लोगों को ओ लेवल्स में करवाया गया था जिसमें 500 साल लगे थे आपको समझने में, दिस वॉज द वेट. तब मैंने आपसे कहा था प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि हमारे पास इसके ये कौन सा कंपोनेंट बनेगा, दिस वुड बी द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ऑफ द टेंशन, और ये क्या होंगे हमारे पास वाई वेक्टर्स होंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. और वेट के अलोंग कौन से कंपोनेंट एड करें, साइन ऑफ थीटा के. ये वो पहला स्टेप था आपका ओ लेवल्स में वे यू नीड टू अंडरस्टैंड जो आप वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि वेन देयर आर थ्री और मोर फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. Then we'll look for the first we will resolve the vector into their components and we would see के which vectors are acting in the same direction and is responsible for that particular motion. अगर balanced है फिर तो हम cancel out करेंगे जो भी चीज होंगी. जैसे अगर आप इसका resolute करो तो ये आपका क्या बनेगा, ये vectors आपके बनेंगे weight के. ठीक है, अब ये और ये आपस में opposite direction में act कर रहे हैं, कैंसिलेशन होंगी, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हमारे पास आएंगी. सो व्हेन देयर आर टू और मोर वेक्टर्स आई डू नॉट नीड टू रेज दैट. सो उसने अब डायरेक्शन ऑफ विंड यहाँ पे शो किया हुआ वेट और रिजल्टेंट, या अब ये रिजल्टेंट नहीं बनेगा बल्कि हमारे पास के किसको शो करा होगा, टेंशन में. और हम लोगों ने एक रूल पढ़ा हुआ है कि व्हेन देयर इज नो रिजल्टेंट फॉर्म्ड तो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास उसके पास क्या होती है, जीरो होती है. और जो ऑब्जेक्ट होता है वो किस में होता है, इक्विलिब्रियम में होता है. इक्विलिब्रियम में दो पोजीशंस होती हैं, एक स्टैटिक होता है और एक डायनामिक होता है. कि अगर ऑब्जेक्ट कंप्लीटली एट रेस्ट है तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंसिडर होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड. तो यहाँ पे वो मूव कर रहा है या रेस्ट में है, मूव कर रहा है, कौन मूव कर रहा है, सॉरी तो सर वो अपने जाली से टेढ़ा तो हम जा स्पाइडर की मूवमेंट नहीं डिस्कस कर रहे भाई, वो वायर और उसकी कर रहे हैं. स्पाइडर अपने जाले पे ही लटका यार वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम उसकी मूवमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिजल्टेंट फोर्स. ऑब्जेक्ट इस टाइम पे किस पोजीशन में होगा, इक्विलिब्रियम में. कॉज हमारे पास कौन सा साइकिल बन रहा है, साइक्लिक सर्क बन रहा है. और जब भी साइक्लिक होता है यानी इस तरीके से आ रहे होते हैं, रिजल्टेंट नॉर्मली कैसे बनता है हमारे पास के इसको इट शुड हैव बीन लाइक दिस, तो हेड हेड से कंसाइड करता, टेल टेल से कंसाइड करता. बट व्हेन वी हैव अ क्लोज डायग्राम इसका मीनिंग क्या होता है कि रिजल्टेंट क्या है हमारे पास, जीरो है. ठीक है, वो बल्कि उसे लिखा भी हुआ है हैंगिंग इन इक्विलिब्रियम. हाउ डू वी नो दैट, बिकॉज दीज आर द पैरामीटर्स व्हिच आर जीरो. इफ वी वर्क आउट द रिजल्टेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड फाइंड दैट इट इज जीरो, दिस टेल्स अस द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम. इफ वी नो दैट द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम वी नो दैट द फोर्सेस ऑन मस्ट ऐड अप टू जीरो. मैं ये रीड करना नहीं चाह रहा था, फिर मुझे अहमद की शक्ल आ गई नजर.
I had to read that. Component of a vector, cos and sine thetas, we have discussed very much in detail. कि जो एंगल थीटा बना रहा होता है दैट इज अ कॉस कंपोनेंट एंड जो 90 डिग्रीज पे होता है वो एंड आई एम टॉकिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. एक कॉमन सेंस की बात है इफ यू हैव लोकेटेड द कॉस ऑफ थीटा सेकंड वन विल ऑटोमेटिकली भी क्या बनेगा हमारे पास तो साइन ऑफ थीटा बन जाएगा. सो लोकेट ऑलवेज लोकेट फॉर कॉस ऑफ थीटा बिकॉज वो हमें देखना है और वो कैसे लोकेट करते हैं मैंने अपना वेक्टर को आइडेंटिफाई करना है कि दिस इज माई वेक्टर और ये उसकी रेजोल्यूशन बन रही है उसमें जो थीटा एंगल बना रहा है दैट वुड बी कंसिडर्ड एज कॉस ऑफ थीटा. सो एज वी कुड सी कि मेरा वेक्टर कौन सा है ये यानी ये वाली लाइन दिस इज माय वेक्टर. अब मैंने जब उसका दो रिजल्टेंट बनाए तो ऑब्वियसली थीटा एंगल कौन बना रहा था ये वाला वेक्टर और 90 का एंगल कौन बना रहा था सो ऑन दैट. अब आगे ये वो डायग्राम ठीक है मैंने रेजोल्यूट किया होगा. अच्छा डू यू नो दिस वर्किंग के व्हेन समथिंग इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कॉज 90 में से सब्ट्रैक्ट करें या 90 में ऐड करें तो कॉज इज कन्वर्टेड टू साइन. आप वो याद रखिएगा मैथ्स में भी शायद आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो कॉज 90 में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाता है और कॉज नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है और पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही होता है. साइन के ऊपर अगर आपके पास कोई नेगेटिव एंगल आ रहा होगा दैट इज एक्सिस उसके इस तरीके से आ रहे होंगे कि एंगल नेगेटिव बन रहा है तो वो नेगेटिव भी रहता है साइन में और पॉजिटिव पॉजिटिव भी रहता है. ये कुछ इसको क्या कहते हैं टर्मिनोलॉजीज नहीं कहेंगे. आई एम अनएबल टू फाइंड द राइट वर्ड फॉर इट. अब उसने वेट को स्प्लिट अप किया है उसने ये कंपोनेंट हमारे पास लिया दिस इज 90 माइनस थीटा कॉस ये मेरे पास क्या बनेगा 90 ये और ये मेरे पास कॉस ऑफ थीटा ठीक है. उसने प्रॉपर स्प्लिटिंग अप नहीं की हुई यहाँ पे हाँ ये उसने यहाँ से किया क्या आप ये हमारे पास वेट का कौन सा कंपोनेंट बन रहा है कॉस का बनेगा साइन का बनेगा ये उसने किया किसका हुआ वेट का किया हुआ ना एम जी साइन ऑफ थीटा जी को किया हुआ उसने विद रिस्पेक्ट टू सर्फेस किया हुआ विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर नहीं किया हुआ आगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दैट विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट वी हैव सेंटर ऑफ ग्रेविटी हियर. सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था वी हैड द पोर्शन जहां पे उन्होंने ये डिस्कस किया हुआ था कि व्हाट डू वी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है हाँ नहीं एक्सप्लेन व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी मास और वेट. सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी नॉर्मली दे लाई इन द सेम पोजिशन नॉर्मली. मास के केस में हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे कि सेंटर ऑफ मास दैट होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसिडर्ड ओवर देयर. वेट में हम कहेंगे क्योंकि वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी उनका वेक्टर सम उस पॉइंट के ऊपर क्या कर रहा होता है एक्ट कर रहा होता है रिजल्टेंट ऑफ ऑल द वेट्स इज कंसंट्रेटेड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. रेगुलर शेप के लिए नॉर्मली वो सेंटर में होता है या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे आ रहा हो उन लोगों का. इरेगुलर शेप के लिए हम लोग कौन सा एक्सपेरिमेंट करते थे हम लैमिना वाला एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते थे. दिस इज नोन एज प्लम लाइन. This plumb line basically is used to check the straightness of an object. If that ball is not rotating or moving, it's stationary. It means now it's exactly straight. It's not move. मतलब कोई जो है misalignment नहीं है किसी किस्म की भी. So you could draw the lines and then आप उसका point of intersection के through उसका. What is the benefit of center of mass and gravity? Zawar. Good example. Look at there. Yeah. Okay. Whenever we support something at center of gravity, the object stays in equilibrium. हमने multiple वो Tom and Jerry में देखा होगा कि one thing above the other उसने set की होती है बिल्कुल random objects होते हैं. Why they stay there? Because उनके center of gravity पे करें. और अगर आप center of gravity पे force apply करते हो, the object moves without rotation. ठीक है? Turning effect of force also known as टॉर्क और ओ रेविज में हमने क्या पढ़ा था मूवमेंट्स ठीक है. सो व्हाई डू वी कॉल इट अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स व्हाई डू वी कॉल इट समीर
No, because when this force is applied, when the force is applied and that produces rotation in the object, that is why it's called the turning effect of force. ठीक हो गया, force apply किया and that produced rotation in the object. This is known as torque and moment. What were the main points in understanding the moments? क्या था हमने पढ़ा? Pivot. What was pivot? जिस पे ऑब्जेक्ट को बैलेंस आउट करते हैं. दूसरा हमने क्या पढ़ा था? मोमेंट आर्म. व्हाट वाज मोमेंट आर्म? जस्ट डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, सो इफ यू ड्रॉ द डायग्राम, दिस इज आवर पिवट पॉइंट. डाउनवर्ड क्या कर रहा है? वेट. अपवर्ड क्या कर रहा है? कॉन्टेक्ट फोर्स या नॉर्मल फोर्स हम जिसको कह सकते हैं. दिस इज आवर फोर्स, इट मस्ट एक्ट परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट. ठीक है, पैरेलल एक्ट करेगी तो मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा, दैट वुड बी अस नॉर्मल फोर्स. हमारे पास द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड द पिवट पॉइंट इज नोन एज मोमेंट आर्म. द ग्रेटर रेजिस्टेंस फ्रॉम द मोमेंट सॉरी पिवट, द लेसर विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड. द क्लोजर टू द पिवट द मोर द फोर्स इज रिक्वायर्ड. सो इफ दे हैव ड्रॉन, हमने वो लेवल्स में भी ये किया था, इफ अ फोर्स इज ड्रॉन हेयर वर्सेज अ फोर्स इज ड्रॉन हेयर, which would have a bigger magnitude, Hania? Let's say it's F1, this is F2. Which one would have a bigger magnitude of force? And why is that? It's placed closer to the pivot. ठीक है, तो इसका magnitude क्या है? ज़्यादा है. Sometimes they ask us to identify that as well. And this is a total force. Sorry, moment arm इसका क्या होगा? This one. So this would be D2 and this would be D1. बाकी बेसिक टर्मिनोलॉजी स्पैनर मोमेंट आर्म दे हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग, वी नो द फॉर्मूला. अच्छा, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड यू शुड नो इफ देयर इज अ क्रॉस साइन बिटवीन द टू क्वांटिटीज, इट मींस इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. इफ वी सी अ डॉट साइन बिटवीन टू क्वांटिटीज, इट मींस इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, ओके, बोथ हैव द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन. बट वो अब यहां पर उन्होंने डिस्कस किया है टू वैलिडेट इफ इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसके साथ कौन सा आता है हमेशा? साइन ऑफ थीटा का कंपोनेंट आता है. इफ इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, उसके साथ हमेशा क्या आएगा? कॉस ऑफ थीटा. व्हिच मींस जब हम वर्क को डील करेंगे तो वी विल राइट इट एज एफ डी कॉस ऑफ थीटा. जब हम टॉर्क को डील करेंगे वी विल राइट इट एज एफ डी साइन ऑफ थीटा, बिकॉज दिस साइन एंड कॉस इज ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी. लेटर ऑन वी विल डिस्कस व्हाई आर वी चूजिंग साइन. अगेन इफ यू रिकॉल दैट वेक्टर सेक्शन, तो उसमें हम लोगों ने ये बात किया था द एक्टिव कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, वो हम उसको नोट डाउन करेंगे जब हम टू डायमेंशनल मोशंस के अंदर जाते हैं. सो अगर हम एफ को देखेंगे तो एफ का कौन सा कंपोनेंट वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट मूवमेंट? साइन कंपोनेंट उसका होगा. सिमिलरली अगर हम डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का भी कौन सा कंपोनेंट एक्टिव होगा? इन दैट डायरेक्शन. अब टॉर्क इन पर्टिकुलर में वी हैव टू मेक श्योर दैट कंपोनेंट शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. So, if I am considering d sine of theta, this means के that component of this component is perpendicular to force. That's why I am considering this. Cos of theta भी act कर रहा होगा, but cos of theta उसमें से क्या कर रहा होगा? Pass कर रहा होगा, ये इसके parallel होगा. And we know that moment only exists when a perpendicular force or component is acted upon it. Similarly, अगर हम displacement को constant रखें, डिस्प्लेसमेंट को नहीं करते, तो एफ का कौन सा कंपोनेंट उसके अलोंग एक्ट कर रहा होगा परपेंडिकुलरली? एफ साइन ऑफ थीटा. विल रेजोल्यूट द वेक्टर इन द नेक्स्ट फेज आई विल शो यू दैट व्हाई वी चोज साइन ऑफ थीटा व्हेन इट कम्स टू दैट एंड कॉस ऑफ थीटा व्हेन इट कम्स टू स्केलर क्वांटिटीज. फॉर नाउ गो अहेड एंड रीड दिस सेक्शन, लेट मी नो इफ देयर इज एनीथिंग आई कैन हेल्प यू विद. वो सारी ये बैलेंस एंड बैलेंस फोर्सेस वी आल्सो हैव डन दिस एग्जांपल एंड क्वेश्चन इन आवर ओ लेवल्स एज वेल, इफ यू रिकॉल दैट. ये हमारा एमसीक्यू था एक. ठीक है, और इसमें हमने सिर्फ एक पॉइंट याद रखना होता है कि डिस्प्लेसमेंट शुड ऑलवेज बी फ्रॉम फोर्स टू पिवट, इन बिटवीन कोई डिस्टेंस हमें मैटर नहीं करता. हाँ, टोटल फाइंड आउट करने के लिए जरूर हम उसको वी कैन टेक हेल्प ऑफ इट, बट वी विल ऑलवेज टेक द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट. ओके, यू कुड गो एड एंड सी अप टिल 4.5. लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अप टिल देयर. फॉर एग्जाम्पल दिस इज वेट. हमारे पास एक सिंपल पेंडोलम की एग्जाम्पल है. ठीक है, दिस इज द पेंडोलम, उसका वेट कहाँ एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड. उसका कॉस कॉम्पोनेंट ये बनेगा,
उसका साइन कंपोनेंट ये बनेगा, ठीक है। ये टेंशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो ये इसको क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। और डब्ल्यू का कौन सा कंपोनेंट हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन, डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा। इसी तरीके से हमारे पास ये होता है कि अच्छा, वी वर डिस्कसिंग अबाउट के इट्स नॉट, अच्छा, एक्टिव कंपोनेंट्स के बारे में हमारे पास बात हो रही थी, ठीक है। तो अगर हम लोग वर्क डन की बात करें, सो अगर हम फोर्स को डिस्कस करते हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट हमेशा हमने कहा है कि इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स होगा, ठीक है। सपोज हम लोगों ने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया एट अ सर्टेन एंगल टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो द एंगल, ये हमारे पास फोर्स का ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, कॉस ऑफ थीटा, ये कौन सा होगा, साइन ऑफ थीटा। सो आउट ऑफ एफ कॉस ऑफ थीटा एंड एफ साइन ऑफ थीटा, विच इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एफ कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस वन, सो वी विल नॉट कंसिडर इट। वर्क इज ओनली डन इफ अ फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्टेंस कवर्ड इज इन द सेम डायरेक्शन। सिमिलरली अगर हम लोग मूवमेंट्स के अंदर जाएं, व्हाई आर वी चूजिंग द साइन कंपोनेंट, अगेन यू कुड सी हियर, दिस इज द मूवमेंट आर्म, दिस इज द पिवट पॉइंट, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मैंने विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंगल कौन सा बना, कॉस, तो मैंने उसको सामने ड्रॉ कर दिया, दिस इज साइन। विच वन इज परपेंडिकुलर टू पिवट पॉइंट, मोमेंट आर्म से कौन सा परपेंडिकुलर बन रहा है, साइन ऑफ थीटा। कॉस इज पासिंग थ्रू, अगर ऑब्वियसली मैं इसको यहाँ पे लेके आऊंगा, इट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इट्स नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। अगर मैं मोमेंट आर्म, विच इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, उसको हम लोग जो है डिस्प्लेसमेंट को मोमेंट आर्म को सॉरी करते हैं, तो हमारे पास ये इफ दिस इज, तो ये हमारे पास कौन सा बनेगा, साइन कंपोनेंट और ये कॉस कंपोनेंट। अगेन वी कुड सी कि इट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कॉस का कंपोनेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, विच इज परपेंडिकुलर टू फोर्स, साइन ऑफ थीटा, ठीक है। सो द एक्टिव कंपोनेंट्स व्हेन इट कम्स टू दैट आर नॉर्मली इन वेक्टर्स, साइन ऑफ थीटास एंड कॉस ऑफ थीटास, ठीक है। कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, डू यू गेट दिस पॉइंट की क्या बात हो रही है। जब हम फर्दर ऑन स्प्लिटिंग रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर करेंगे, उस पर आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस और ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगी। ये वी हैव डन ऑल दीज इन इन ऑल लेवल्स इफ यू रिमेंबर। देन कपल क्या होता था, अ कपल इज प्रोड्यूस व्हेन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस अप्लाइड ऑन थ्रू द ऑब्जेक्ट। बैलेंस फोर्सेस होती हैं बट इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होती है हमारे पास। सो अ कपल इज प्रोड्यूस, इसके अंदर हम लोगों ने क्या लेना होता है, वी ओनली टेक द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो इसका मूवमेंट कैसे फाइंड आउट होगा, 15 इनटू, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज 2, तो 15 इनटू 2 होगा, इसमें हम लोग मिडिल पॉइंट, हाँ, तो इसमें डिस्टेंस टोटल कितना यूज करोगे आप, 0.40, 0.2 नहीं करेंगे, बिटवीन द टू फोर्सेस हम लोग कपल के अंदर जो है वो डिस्टेंस हम लोग, मतलब इसमें हम बिटवीन द टू फोर्सेस का डिस्टेंस ले रहे होंगे मूवमेंट के लिए, बिकॉज इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन पिवट, दे आर पिवट टू ईच अदर ना, दे आर रोटेटिंग पिवट टू ईच अदर, वो बन रहे हैं हमारे पास। इस वजह से हम डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस ले रहे होंगे। हम डिस्टेंस मोमेंट आर्म कंसिडर किस बेसिस पे करते हैं, पिवट पॉइंट की बेसिस पे ना, कि फोर्स विद रिस्पेक्ट टू पिवट पॉइंट। सो इफ दे आर एक्टिंग इन कॉन्टेक्स्ट टू ईच अदर, तो दे, नहीं, एफ टू इज पिवट टू एफ वन एंड एफ वन इज पिवट टू एफ टू, तो डिस्टेंस दरमियान का टोटली बनेगा हमारे पास, क्योंकि वो रोटेट उसके अराउंड कर रहे हैं, इस वजह से वी आर टेकिंग द डिस्टेंस। बाकी द पॉइंट्स आर वो सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, पैरेलल बट ऑपोजिट डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये देखो उन्होंने टॉर्क ऑफ अ कपल 15 टू 65, ठीक है। दैट कॉल्स एन एंड टू दिस चैप्टर, एंड प्योर टर्निंग इफेक्ट्स में वही बात है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ अ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन टू एन ऑब्जेक्ट इज जीरो।
एंड इफ द रिजल्टेंट मूवमेंट एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में सेटिस्फाइड होती है तो देर इज नो लीनियर मोशन इन द ऑब्जेक्ट. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन सेटिस्फाई होती है देर इज नो रोटेशनल मोशन इन एन ऑब्जेक्ट. इफ बोथ द कंडीशन आर सेटिस्फाइड हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या होता है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होता है. फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम, कंप्लीट इक्विलिब्रियम, वी नीड बोथ कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड. फर्स्ट कंडीशन को हम कैसे डिनोट करते हैं, सिग्मा एफ से, दैट अकाउंट्स फॉर द समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड सिग्मा टॉर्क. ठीक है, लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर,